सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सदर ममलिकत को अहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पार्लियामानी उमूर और कानून साजी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। स्पीकर अयाज सादिक ने सदर ममलिकत को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज अहमद, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक आज ऐवान सदर पहुंचे, जहां उन्होंने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। ऐवान सदर की जानिब से ये बताया गया है कि मुलाकात में पार्लियामानी उमूर कानून साजी के उमूर पर बातचीत हुई, जो और सरदार अयाज सादिक ने उदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद भी दी। लेकिन हमारे राय का ये कहना है कि सदर ममलिकत का खिताब 16 अप्रैल को कौमी असम्बली से होना है, पार्लियामान के मुश्तरक इजलास से होना है। इस खिताब के हवाले से फिर जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से सूरत हाल डेवलप हो रही है, खासतौर पर जजिस का खत पार्लियामान के अंदर जो पीटीआई की जानी से उस हवाले से, माफ कीजिएगा, सुन्नी तहरीक की जानी से उस हवाले से जो करारदाद जमा कराई गई है, उस पर किस तरह से बहस करानी है, मामला को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये उमूर भी जेरे गौर आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद।